ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पोटेंशियल डिफरेंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है क्या होता है। क्वेश्चन 25.1 एंड 3 होल्ड इन ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर इक्वेशन 25.1 एंड 25.3, मैं एक दफ़ा आपको अगेन दिखा देती हूँ कि 25.1 इक्वेशन एंड 25.3, 25.3 इक्वेशन इज़ दिस वन, 25.2 इज़ दिस वन एंड 25.1 इज़ दिस वन। तो ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो आप क्या कह रहे हो कि ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर होल्ड करती हैं, यानी वो फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, वो फील्ड अगर वेरिंग है, तो ये जो है वो इनको कैन बी सिंप्लीफाइड फॉर द स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। तो फर्स्ट कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस कंसीडर करते हैं, और हम जो है वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस इज शोन इन द फिगर ए। फिगर ए में देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या कह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और जो सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, और लेट्स कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। अब आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है जो कि एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे हैं। वेयर द डिस्प्लेसमेंट एस पॉइंट्स फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी एंड इज पैरेलल टू द फील्ड लाइन्स। सो इक्वेशन 25.3 आपको क्या बताती है, इक्वेशन 25.3 आपको ये बताती है कि वी बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एस फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रल। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को जब आप ख़त्म करते हैं तो ई डी एस कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, डी एस और ई दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कॉज ऑफ जीरो हो जाएगा, कॉज ऑफ जीरो वन होता है तो ई डी एस के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया, ई इज़ कॉन्स्टेंट सो इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द इंटीग्रल, इस ई कॉन्स्टेंट है तो उसको आप इंटीग्रल से बाहर निकाल लें। इंटीग्रल पे सिर्फ क्या बचेगा, डी एस इंटीग्रल, और डी एस इंटीग्रल अभी आपको मैंने बताया कि इन दोनों के दरमियान में होल डिस्टेंस कितना है, डी के बराबर है, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आ जाएगा। ठीक हो गया, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी इज़ लोअर देन एट पॉइंट ए। ठीक है, नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है कि बी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोअर है और ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर है। सही हो गया, अच्छा दैट इज़ वी बी इज़ लेस देन वी ए, वी बी आपके पास वी ए से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा जो है वो किस डायरेक्शन में जाएंगी, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाएंगी। तो फिगर ए के अंदर देखो आपको ये बात शो हो रही है। नाउ सपोज द चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम ए टू बी, वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज फील्ड सिस्टम फ्रॉम इक्वेशन 25.3 एंड 25.6। अब सपोज करें कि चार्ज जो है वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है इस फील्ड सिस्टम में वो कैलकुलेट करनी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है किसके बराबर होती है, क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर होती है। तो डेल्टा वी आपके पास किसके बराबर आ गया, माइनस ई इंटू डी के, तो ये माइनस क्यू ई इंटू डी के बराबर आ गया। तो ये रिजल्ट आपको शो करता है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डेल्टा यू आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डेल्टा यू आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये इस रिजल्ट से आपको पता चल रहा है। देयरफॉर इन अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज व्हेन द चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो इस चीज़ से आप इस स्टेटमेंट से क्या चीज़, इस इक्वेशन से आप क्या चीज़ बता सकते हैं कि अगर सिस्टम के पास पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी जब चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज आपने रिलीज़ किया रेस्ट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज़ क्यू ई, और वो आपके पास किस की डायरेक्शन में होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में होगी, दैट इज़ डाउनवर्ड इन द फिगर। ठीक है, तो अब ये एक्सेलरेट होगा डाउनवर्ड, एंड जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा तो ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अब चार्ज पार्टिकल जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज फील्ड सिस्टम डिक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी सिस्टम आपने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी, या जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी से हट के जब वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करना शुरू करता है तो उस दौरान अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करता है। सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आपने ये पढ़ा था कि एक एनर्जी को जब गेन करेगा तो दूसरी एनर्जी को लॉस करेगा, एंड सम ऑफ द एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इस चार्ज फील्ड सिस्टम की वो डिक्रीज करेगी इक्वल अमाउंट के साथ, और ये इक्वलेंस जो है ये सरप्राइजिंग नहीं है आपके पास क्योंकि आपने मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग फैक्ट।
तो अब आपके पास जो फिगर बी है, फिगर बी के अंदर आप देखो तो सिचुएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, ये फिगर बी है। फिगर बी के अंदर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड ली हुई है, इसकी सिचुएशन आपको बताई भी है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो विद द मास, ठीक है, यहाँ पर आपने चार्ज लिया था, यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास एम है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होगी वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। रिलीज़ किया आपने तो वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, एट द सेम टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज़ कर रही है। तो ये कंपैरिजन जो है सिस्टम का, पॉजिटिव चार्ज रिजाइडिंग ऑन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन ऑब्जेक्ट विद द मास रिजाइडिंग इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ यूजफुल फॉर कंसेप्चुलाइजिंग द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो आपने कंपैरिजन किया ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को कंसेप्चुलाइज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ आपके पास बन रही है। तो इलेक्ट्रिकल सिचुएशन हाउएवर हैज़ वन फीचर दैट द ग्रेविटेशनल सिचुएशन डज नॉट, द चार्ज कैन बी नेगेटिव। अगर अब आपके पास जो है वो चार्ज नेगेटिव है तो डेल्टा यू इन द इक्वेशन पॉजिटिव होगी और सिचुएशन जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी इस केस में, ठीक है, चार्ज नेगेटिव के केस में। अब आपने क्या किया, एक सिस्टम ले लिया जिसमें आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गेन्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। जब वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मूव करेगा तो उस दौरान वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। पिछले केस में पॉजिटिव चार्ज के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो वो पोटेंशियल एनर्जी को लॉस कर रहा था। अगर नेगेटिव चार्ज रिलीज़ किया आपने रेस्ट से इन द इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये एक्सेलरेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब आपने अगर इसको एक्सेलरेट करवाया तो ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सेलरेट करेगा। नेगेटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड तो एक्सटर्नल एजेंट आपने इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इस दौरान आप कुछ इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क डन करेंगे तो तब ये क्या करेगा कि इस फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अदरवाइज ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा। अब आपने कंसिडर किया एक जनरल केस जिसमें आपने एक पार्टिकल लिया और उसको आप ए से बी में मूव करवा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द वेक्टर एस इज़ नॉट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब आपके पास ये जो वेक्टर एस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल नहीं है बल्कि ये उसके साथ किसी एंगल थीटा के ऊपर है। तो अब आपने ई डॉट डी एस जब निकाला तो ई डॉट डी एस करेंगे और डी एस आपने होल इंटीग्रल आपने क्या कहा कि ये एस वेक्टर है जो इन दोनों के इसका डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, तो आपने इस इंटीग्रल की जगह पे एस लिख लिया। अच्छा ई जो है वो वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द इंटीग्रल बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बराबर होती है क्यू इंटू डेल्टा वी के, तो डेल्टा वी की जगह पे आप लगाएंगे ई डॉट डी एस। फाइनली हमने कंक्लूड किया इक्वेशन 25.8 जो है आपके पास, ये इक्वेशन जो है कि तमाम पॉइंट जो है इस प्लेन में वो परपेंडिकुलर हैं टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर एट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तमाम जो पॉइंट्स हैं आपके पास वो इस प्लेन में परपेंडिकुलर हैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि जो फिगर 25.3 है वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी ए, ठीक है। तो हम इस फिगर में ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो वी बी माइनस वी ए है वो वी सी माइनस वी बी है या वी सी माइनस वी ए है, तो ये आपके पास इक्वल होंगे। तो इस फैक्ट को आप ख़ुद से प्रूव भी कर सकते हैं कि ये किस तरह से इक्वल होंगे। तो इसको आप जो है वो नेम देते हैं इस तरह की सर्फेसिस को जिसमें आपके पास वी बी इक्वल टू वी सी है या वी ए इक्वल टू वी बी है, इस तरह की सर्फेसिस को आप नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस सर्फेस इज गिवन टू एनी सर्फेस कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसी सर्फेसिस होती हैं जिनमें आपके पास कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनमें आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम होती है। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस को एसोशिएट करते हैं आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से जिसमें आपके पास फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी जो कि परपेंडिकुलर होंगी उस फील्ड के। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस एसोसिएटेड विद द फील्ड हैविंग अदर सिमेट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन लेटर सेक्शन। तो लेटर सेक्शंस के अंदर हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस को डिटेल्स के साथ देखेंगे, कुछ सर्फेसिस के अंदर के इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में हम आगे चल के डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अब देखो आपके पास एक एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस। तो दो पैरेलल प्लेट्स थी उनके दरमियान में आपने ऑपोजिट चार्जेस की प्लेट्स उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करनी है। अब आपने क्या किया कि एक बैटरी ले ली, अ बैटरी हैज़ अ स्पेसिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है। बैटरी के ऊपर स्पेसिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी मेंशन, डेल्टा वी मेंशन है जो कि इसके टर्मिनल्स के दरमियान आपने एस्टैब्लिश कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स अटैच टू द टर्मिनल, ठीक है। और इसको जब आपने कनेक्ट किया तो इन
के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो गया। एक 12 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट की दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, फिगर के अंदर आपको ये बताया हुआ है, एंड सेपरेशन बिटवीन दैम इज डी, दैट इज 0.30 सेंटीमीटर, एंड अज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म है आपके पास, तो दिस अजम्पशन इज रीजनेबल इफ द प्लेट सेपरेशन इज स्मॉल रिलेटिव टू द प्लेट डायमेंशंस एंड वी डू नॉट कंसीडर द लोकेशन नियर द प्लेट एजेस। ठीक है, ये रीजनेबल तब होती है जब आपके पास जो सेपरेशन है वो इतनी ज़्यादा स्मॉल हो इसके इन प्लेट्स के साइज़ के मुकाबले में। तो आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसको कंसेप्चुलाइज कर लें कि आपके पास क्या है, कि एक एग्जांपल है आपके पास 24.5 जो थी उसमें आपने देखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। न्यू फीचर टू दिस प्रॉब्लम इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू न्यू कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एवेलुएट हो सकती है किस रिलेशनशिप से, वो आपके पास इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी, यानी वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डी। तो वी बी माइनस वी ए आपको 12 वोल्ट गिवन है, ठीक है, या वी डिवाइडेड बाई डी, तो वी आपको 12 वोल्ट गिवन है, डी आपको सेंटीमीटर में गिवन था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ई आपके पास आ गया, दैट इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मोशन ऑफ द प्रोटॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रोटॉन आपने ले लिया, उसको आपने रिलीज करवाया एट पॉइंट ए, पॉइंट ए से आपने उसको रिलीज करवाया, यहाँ पर वो रेस्ट पे था, वी ए उसकी जीरो थी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8×10⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड आपको वोल्ट पर मीटर के साथ गिवन है, दैट इज़ दिस वन 8×10⁴। अब ये जो प्रोटॉन है ये क्या करेगा, ये एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो गेन करेगा जिसका मैग्नीट्यूड डी आपके पास 0.50 मीटर है टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई। अब आपने क्या करना है कि स्पीड ऑफ द प्रोटॉन आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करनी है। तो स्पीड आप फाइंड करेंगे, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे कि देखो आपने सबसे पहले आपने ये बताना है कि सिस्टम जो है उसमें प्रोटॉन है और उसके अंदर टू प्लेट्स हैं फिगर के अंदर, तो ये इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ, तो ये जो मॉडल है ये आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है फॉर एनर्जी। अब आपने क्या करना है कि राइट द अप्रोप्रिएट रिडक्शन ऑफ इक्वेशन 8.2 एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो आपको क्या बताता है कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv², और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या कहा कि वो जीरो है, जो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगी और इनिशियल एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो वो जीरो हो जाएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ई डेल्टा वी के बराबर होगी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ई डेल्टा वी को आप दूसरी तरफ ले जाएँ, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद वी की वैल्यू निकालें, वो आपके पास आ जाएगी √-2 ई डेल्टा वी ओवर एम। डेल्टा वी की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लगा दी -e(d), तो -e(d) माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2e(d) डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। और अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, प्रोटॉन का मास आपको पता होता है कितना है, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता होता है कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ लगाएंगे तो आपके पास जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो बिकॉज डेल्टा वी आपके पास क्या है, डेल्टा वी इज़ नेगेटिव फॉर द फील्ड एंड डेल्टा यू इज़ आल्सो नेगेटिव फॉर द प्रोटॉन फील्ड सिस्टम। ठीक है, डेल्टा वी नेगेटिव है इस फील्ड के लिए और डेल्टा यू भी नेगेटिव है प्रोटॉन फील्ड सिस्टम के लिए, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा यू मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज एज द प्रोटॉन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा यू का क्या मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो आपके पास डिक्रीज करेगी जब आपके पास प्रोटॉन मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एज द प्रोटॉन एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी एट द सेम टाइम। तो फिगर जो है उसमें आपको पता है कि प्रोटॉन डाउनवर्ड मूव कर रहा है और प्रोटॉन की मोशन जो है वो एनालॉगस है एक ऑब्जेक्ट जो कि फॉल कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमेशा डाउनवर्ड है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है कैन बी इन एनी डायरेक्शन, वो डिपेंड करता है कि आपने प्लेट्स में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है। तो जो फिगर है उसको अगर आप रोटेट कर रहे हैं 90 और 180 पे, तो प्रोटॉन जो है वो हॉरिजेंटली मूव करेगा और अपवर्ड मूव करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पर आके हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अगर ये समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।